नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटोहब में। तो आज है हमारे पास द ऑल न्यू मारुति एस्प्रेसो और VXI मॉडल है, जो इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आपको इसका VXI मॉडल ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को जो है एंड तक देखते रहिए। और इसका अगर आप CNG वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें आपको जो है बहुत ही अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। अराउंड 31.2 किलोमीटर पर केजीज का आपको यहाँ पे माइलेज देखने को ज़रूर मिल जाता है। और हम आपको बता दें, अगर आप इसका एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जानना चाहते हैं तो आप इसका VXI वेरिएंट ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। और हम आपको विद रीजंस आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो हब। भारत की बहुत ही अच्छी CNG कार एस्प्रेसो भी मानी जा रही है। वैगनार के कंपैरिजन में भी आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया कार है। कम कीमत में आपको एक अच्छा माइलेज, अच्छा कंफर्ट और एक अच्छी चीज़ें देने वाली एक बहुत ही अच्छी कार है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं मारुति एस्प्रेसो के इंजन स्पेक्स के। तो 1 लीटर का K10 इंजन आपको मिलता है 3 सिलेंडर कैपेसिटी के साथ। 5-स्पीड गियर बॉक्स आपको आता है और ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट का भी ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाता है। और ये है मारुति की वैगनार। ये इसका टॉप मॉडल जो आप ठीक बगल में देख पा रहे हैं, और दोनों के डायमेंशंस आप ज़रूर देख सकते हैं। ऊंचाई का बहुत ही अंतर है। मारुति एक टॉल बॉय माना जाता है वैगनार के मामले में, बट एस्प्रेसो की जो डायमेंशंस है ये थोड़ी सी छोटी है। अल्टो से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो बहुत ही बढ़िया कार है एस्प्रेसो। फ्रंट में जो है आपको बढ़िया सा सुजुकी के लोगों के साथ SUV फेशिया ग्रिल देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा SUV का लुक इसमें मारुति ने ज़रूर दिया है, बट ये है तो एक छोटी कार ही। हालांकि इसमें आपको फ्रंट फॉग लाइट्स ऑफर नहीं की जाती हैं, और नीचे आपको ब्लैक कलर बम्पर मिलेगा रियर नीचे सिल्वर के साथ। और आप इसकी लाइट्स को ज़रूर ऑन करके देखते हैं तो इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं। विद एडजस्टेबल लाइट्स आपको इस गाड़ी में ज़रूर ऑफर की जाती हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। बट इसमें फॉग लाइट्स की थोड़ी सी कमी है, तो लाइट्स उसमें आपको थोड़ी सी कम ज़रूर लग सकती हैं। और हम आप फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर कीलेस एंट्री के साथ आपको सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड ऑटो, सेंसर लॉक वगैरह सब देखने को मिलता है। और नीचे आप देख सकते हैं बढ़िया सा सिल्वर डिफ्यूजर भी दिया हुआ है। बिल्कुल SUV वाला फील आता है इस गाड़ी को देखने के बाद, बट SUV तो है ही नहीं है। और व्हील साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर साइड जो है आपको फेंडर में दिया हुआ है। और R14 टायर आता है इस गाड़ी में, एक बहुत ही बढ़िया बात है ये। R13 जो है आपको इसके LXI मिलेगा, बट R14 आपको इसके VXI से मिलना शुरू हो जाता है। और बॉडी क्लैडिंग भी आप देख सकते हैं नीचे। एक्सेसरीज़ का वर्क ऑलरेडी इसमें हो चुका है, आप देख पाएंगे डोर वाइजर वगैरह लगा हुआ है। और जो बी पिलर है वो इसका ब्लैक है, सी पिलर भी हल्का सा ग्लॉसी शाइन के साथ है। तो ओवरऑल टेल लाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल आपको टेल लाइट्स मिलती हैं बल्ब पर बेस्ड। LED का काम इसमें नहीं है जैसे आपको स्विफ्ट वगैरह मिलता था, बट बीच में आप देख सकते हैं बढ़िया सी क्रोम की बिटिंग भी देखने को ज़रूर मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया। और नीचे आपको जो है 2 पार्किंग सेंसर्स भी लगाए गए हैं, और इसमें कैमरा भी इंस्टॉल किया है एज एक्सेसरी पार्ट। टच स्क्रीन आपको VXI प्लस मॉडल में देखने को मिलती है, वो भी आपको भी अंदर चल के ज़रूर दिखाते हैं। और बाकी 2 रिफ्लेक्टर्स भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और रियर स्पॉयलर भी इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। डिफॉगर वगैरह का ऑप्शन नहीं आता, और इसमें आपको जो है मैनुअली एडजस्टेबल आता है जो इसका ORVM है। बट इसमें बॉडी कलर जो ORVM आपको मिलता है, एक बहुत ही बढ़िया लुक आपको इसमें प्रोवाइड करी जाती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड बॉडी कलर बम्पर जो है आपको इसके VXI मॉडल से देखने को मिल जाता है। और अंदर आप देख सकते हैं अभी इसमें आपको जो है फ्रंट पावर विंडोज भी ऑफर करी गई हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर पर भी अभी ज़रूर चल के देखते हैं। तो फ्रंट डोर को जैसे ही आपको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें डुअल टोन आपको फिनिश देखने को मिलेगा, हल्का सा भी सिल्वर का फिनिश आपको इसके डोर हैंडल्स पर देखने को मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया आपको नीचे एक कप होल्डर अलॉन्ग विद एक्सटर्नल स्पेस देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर। और डोर वाइजर आपको एक एक्सेसरी के थ्रू मिलता है, और ये है मैनुअली एडजस्टेबल। ये थोड़ा सा चीप लगता है, मगर क्या किया जाए, अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं लेदर अपहोल्स्ट्री इसमें अलग से इंस्टॉल कराई गई है, नॉर्मल आपको फैब्रिक वाली ही ऑफर करी जाती है। और वैगनार में भी आपको जो है देख सकते हैं, वैगनार को अगर हम ओपन करके देखें, ये इसका टॉप मॉडल है जो आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता है। तो एस्प्रेसो में भी आपको ऑफर नहीं किया गया है, चाहे आप इसका टॉप मॉडल भी ले लें। और नीचे जो है आपको फ्यूल ओपनर और बूट ओपनर दोनों दिख जाएगा।
और ये है कुछ रियर स्पेस। रियर हेडरेस्ट आपको इसके VXI मॉडल से ही ऑफर किए जाते हैं, LXI में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। तो सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो केवल ये वन स्टेप है, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं मिलता है, हालांकि वो वैगनार में भी नहीं मिलता है आपको। सो गाइज, वी आर इन द ऑल न्यू मारुति एस्प्रेसो VXI प्लस मॉडल, और ये आप इसके इंटीरियर देख सकते हैं। अच्छे इंटीरियर्स आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं, स्पेशली अगर आप देख सकते हैं VXI प्लस मॉडल में आपको बढ़िया सा टच स्क्रीन भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डे टाइम वगैरह आप सब मिल जाएगा मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ। मीडिया में आप FM, AM एंड अलॉन्ग विद USB, ब्लूटूथ एंड ऑक्स सब मिल जाता है यहाँ पे। टच स्क्रीन काफी अच्छा है यहाँ पे मारुति का। VXI प्लस मॉडल एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहाँ बन जाता है, क्योंकि काफी कम पैसे के डिफरेंसेस में आपको जो है इसमें ये चीज ऑफर हो जाती है, जो बहुत ही बढ़िया है टच स्क्रीन। बाकी आप एसी के एडजस्टमेंट देख सकते हैं, मैनुअली एसी है यहाँ पे, और स्पीडोमीटर आपको जो है मिडल में मिलता है बढ़िया सा। फ्यूल गेज वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये इसका बढ़िया ग्लो बॉक्स, नॉर्मल ग्लो बॉक्स है यहाँ पे, और ऊपर लाइट भी आपको बढ़िया दिख जाती है यहाँ पे। तो अच्छी कैपेसिटी का है, और यहाँ पे भी थोड़ा फोन वगैरह स्पेस रखने का है। मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट का ये एडजस्टमेंट है, और पावर विंडोज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं बीच से। तो बढ़िया ही फीचर है यहाँ पे हालांकि। और आपको वैनिटी मिरर जो है ना ड्राइवर साइड ना पैसेंजर साइड, दोनों साइड नहीं देखने को मिलेगा, बीच में ये बढ़िया सा ORVM IRVM। सीट कैपेसिटी की बात करें तो अच्छी सीट कैपेसिटी है, और जो वेव आ रहा है काफ़ी अच्छा है, मतलब शॉर्ट पैसेंजर्स के लिए इवन काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो एक कैपेसिटी बढ़िया है यहाँ पे, मतलब ऊपर साइड भी बढ़िया ही व्यू आ रहा है बैठने पे भी, और AGS वाला वेरियंट है जो आप देख पा रहे हैं। बजर इसका काम करने लगा जैसे हमने रियर गियर लगाया इसका, तो बहुत ही बढ़िया मैनुअल है। बाकी वॉइस कमांड का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे, ये फोन पेयरिंग पे जरूर चलेगा। कॉल डिस्कनेक्टिंग वगैरह का भी है, और वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो आप ये देख सकते हैं। और बाकी रियर सीट्स की बात करें तो ये हैं कुछ इसकी रियर सीट्स, और बाकी डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे मैनुअल मिलता है, फोल्डेबल वाला नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा इंटीरियर है, और कम पैसे में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। एक्सेसरीज वगैरह इसकी ऑलरेडी फिटिंग है, उसकी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में इसकी कॉस्ट जरूर बता देंगे कि एक्सप्रेसो की जो कॉस्टिंग वो क्या है। बाकी काफ़ी अच्छा है इसका हमें इंटीरियर लगा, एक कॉम्पैक्ट मिनी SUV का फील आ जाता है यहाँ पे। बाकी लाइट्स के एडजस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही नीचे दे रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पे दो कप होल्डर्स भी दे रखे हैं आपको, शायद ना ही दिख पा रहे हो अंधेरे की वजह से। बाकी एक USB आउटपुट चार्जर अलोंग विद ऑक्स एंड USB कंपैटिबिलिटी, दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं रियर सीट्स पे। रियर सीट्स की बात करें तो ये मारुति के कशंस जो आप देख सकते हैं, 4 पावर विंडोज आपको ऑफर नहीं होते हैं, मैनुअली है ये। बाकी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसके VXI प्लस से ऑफर होते हैं, और रियर पावर सेल्टर आप देख सकते हैं पीछे, और बैक स्पेस काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा लाइट दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप स्पेस अच्छा खासा आ रहा है यहाँ पे। रियर सीट में भी थोड़ा सा स्पेस दे रखा है यहाँ पे। बाकी कुल मिलाके 5 लोग को बैठने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बूट स्पेस भी ओपन करके देखते हैं, फ्रंट से ही ओपन होगा ये। सो गाइस, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है यहाँ पे, मतलब आप अगर इसका CNG वेरिएंट भी लेते हैं उसमें भी आपको एक अच्छा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, और नीचे मैट भी आपको एक एक्सेसरी पार्ट दी गई है, आप देख सकते हैं ये।
स्पेयर व्हील शायद इसका नीचे ही हो, देखता हूँ। यस, स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाता है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये भी। मारुति एस्प्रेसो की प्राइसिंग की बात करी जाए तो VXI मॉडल आपको 5,00,000 रुपये ऑन रोड देखने को मिल जाएगा, जबकि आपको VXI प्लस मॉडल जो है वो आपको 5,25,000 रुपये मिल जाता है, जिसमें आपको टच स्क्रीन ऑफर किया जाता है। तो अब अगर आप इसका VXI मॉडल भी लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और वो एक वैल्यू फॉर मनी वेरियंट आपको ज़रूर मिल जाता है। केवल टच स्क्रीन की कमी है, लेकिन आपको उसमें ब्लूटूथ वगैरह का सबका ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो द ऑल न्यू मारुति एस्प्रेसो पर। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक।